अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। उसने ये पूछा कि यार आप सेक्टर कैसे पकड़ते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मैंने उनको एक बढ़िया एग्जांपल दिया कि लास्ट ईयर आपने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी थी उसके अंदर ये था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उसके अंदर स्पेशली आपका केमिकल सेक्टर के अंदर। तो उसका जो हिसाब हुआ था वो ये हुआ था कि जितनी भी आपकी यूरोपियन साइट्स थी वहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस और बिकॉज ऑफ कोविड की सिचुएशन थी आपकी चाइना के अंदर। तो उसकी वजह से इंडियन कंपनीज को, आपको अगर नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा आपके प्राइस रियलाइजेशन मिले थे और एबिटा मार्जिन आपके 25-30% तक पहुँच चुके थे। लेकिन वो सिचुएशन इस साल के अंदर नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आज की डेट में चाइना खुल चुका है और उन्होंने डंपिंग करने की वजह से जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनके प्राइस रियलाइजेशन के अंदर आप बहुत ड्रास्टिक परफॉर्मेंस देखेंगे नेगेटिव फॉल के अंदर। इसका ये रीज़न है कि लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो एक वन ऑफ इफेक्ट था जिसके अंदर चाइना की कोई भी कंपनी के अंदर आपने प्रोडक्शन कम दिखाई दी थी और उसका जो इफेक्ट था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था अपने एबिटा मार्जिन के अंदर, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे थे तो उसकी उनको प्राइस अराउंड 120 की भी मिल रही थी। तो उस केस के अंदर इंडियन कंपनीज ने पूरे के पूरे केमिकल स्पेस के अंदर, आप कोई भी कंपनी पकड़ के देख लें, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी। लेकिन ये सिचुएशन Q1 में आके चेंज होगी। इसका रीज़न है अगेन चाइना, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट्स थे वो ये इफेक्ट था कि चाइना में फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन आज की डेट में कोविड ख़त्म हो चुका है चाइना के अंदर और उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो अब पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुकी है सेल्स करके। अब उसका चाइना का एक मोटिव है कि अपनी जो लीडरशिप पोजिशन है वो मार्केट में कायम रखनी, जिसके अंदर उनको जितनी भी प्राइस रियलाइजेशन होती है उसमें वो डिस्काउंटिंग करके डंपिंग करके पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। इसका सीधा इफेक्ट हमारा Q1 के अंदर, कोई भी आप इंडिया की केमिकल कंपनी पकड़ लीजिए उसके अंदर इसका इफेक्ट दिखाई दिया कि जितनी भी कंपनीज थी उनके जो आपके पैट थे उसके अंदर आपने 80-90% का भी डिक्लाइन देखा होगा। उसका ये रीज़न है कि प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्शन सेल है सेम है, सेल भी सेम है, लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस रियलाइजेशन अच्छी नहीं मिली तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी सीधा डिक्लाइन की तरफ चली गई। तो ये आप कोई भी इंडिया की कंपनी पकड़ लीजिए Q1 के अंदर, उसमें आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। अब इस सिचुएशन के अंदर हम पहले ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको जब भी क्वार्टर के रिजल्ट शुरू हुए उससे पहले आपको इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स पढ़नी ज़रूरी है, जिसका एग्जाम्पल है जैसे केमिकल सेक्टर के ऊपर हर महीने कोई ना कोई रिपोर्ट आती होगी, उस पर आपको एक नज़र लगानी है। जैसे कि आपको नोटिस करना है कि उस रिपोर्ट के अंदर जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो प्राइजेस हैं वो मंथली बेसिस पे अप हैं कि डाउन हैं। अगर उस मंथली रिपोर्ट के अंदर आपको ड्रास्टिक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 15-20% का 30% का, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले 2-3 महीने का जो ट्रेंड बन रहा है वो डिक्लाइन की तरह बन रहा है। इस केस के अंदर कोई भी कंपनी आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे सकती। तो ये तो हो गया सबसे पहली बात कि क्वार्टर के रिजल्ट्स शुरू होने से पहले एक बार आप इंडस्ट्री के बारे में जान लें, और इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने की, क्योंकि आपको फ्री के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ये चीज़ भी आप नोटिस करें कि कैसे रिपोर्ट्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं और उनको आप नोटिस भी कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो मैंने, अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो उस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी कि जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने एक चीज़ पहले बोल दी है कि Q1 Q2 केमिकल कंपनीज के लिए बहुत बेकार रहने वाला है, तो आप अपनी पोजीशन भी उस हिसाब से बनाएं। तो इस फैक्टर को भी आपने ढंग से अगर स्टडी किया होगा तो उनकी स्टेटमेंट्स में काफ़ी दम दिखाई दे रहा था, तो मैंने भी उस हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बना ली थी कि पूरे के पूरे Q1 को मैं स्टडी करूंगा केमिकल कंपनीज के अंदर, और उनमें अभी वेट एंड वॉच की स्टडी रखूंगा
कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको प्राइस डिक्लाइन दिखाई दे रहा है तो एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर फैक्टर्स आप इंडस्ट्री के ओवरऑल व्यू में देख लें तो शायद आपको स्टॉक पिकिंग के अंदर काफ़ी मेहनत हो जाएगी। आप भी इन चीज़ों को नोटिस करें और मुझे बताएं आप कौन सा सेक्टर फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू।